नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, अपने वाला जो 595 टर्बो है, काफ़ी कुछ आपने इसमें देखा कि इसमें मरगार्ड की पोजीशन चेंज करी गई, पावर स्टेयरिंग करा गया, नीचे वेट लगा दिए इसमें। तो आज जो है इसकी पावर स्टेयरिंग होने के बाद पहली बार जो है ट्राई ले रहे हैं जी। पावर स्टेयरिंग का क्या क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी बात करेंगे जी। और थोड़ा रोटावेटर के ऊपर जो डीजल एवरेज है उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से, जो मेरा हिसाब किताब है, किस तरीके से डीजल एवरेज ट्रैक्टर का देखना चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहले जो पावर स्टेयरिंग का फ़ायदा बता दूँ आपको, एक तो थकान नहीं होती जी बिल्कुल भी, और दूसरा बात जो है भाइयों, ट्रैक्टर बिल्कुल जो है जो हड़ाई होती है बहुत ही सीधी रहती है। मैनुअल स्टेयरिंग में कहीं ना कहीं जो है फ़र्क पड़ जाता है, तो बिल्कुल जो हड़ाई रहती है जी, सीधी हड़ाई रहती है बिल्कुल, है जैसे कि आप देख सकते हो। तो कितना भी बड़ा खेत क्यों ना हो तो हड़ाई सीधी रहती है, और जो है चलाने में बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टर आसान रहता है। और भाइयों, जो ये वाला स्टेयरिंग फिट किया गया है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला स्टेयरिंग है जी। तो इसमें एक चीज़ का और बहुत सारा फ़ायदा रहता है कि बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आती है जी ऊपर, मैं आपको ऊपर चढ़ के भी दिखाऊंगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं रोटावेटर की, कि भाई रोटावेटर के ऊपर जो है डीजल एवरेज किस हिसाब से देखना चाहिए। भाई कुछ भाई जो है डीजल एवरेज जो है घंटों के हिसाब से देखते हैं। भाई घंटों के हिसाब से डीजल एवरेज देखना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, हमेशा जो है डीजल एवरेज, अब की बार डीजल एवरेज जो बनाएंगे वो अलग तरीके से बनाएंगे जी। वो बनाएंगे आपका जो है कवरिंग एरिया नाप के, कि भाई कितना डीजल खाया, कितने समय में काम किया और काम की क्वालिटी क्या है। तो भाई ये ट्रैक्टर जो है अपना थोड़ा हाई स्पीड कर रखा है, तो ये पहले के लो की चाल है जी, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जिस 2100 RPM पे चला रखा है, 17-18 की गरारी है और नए ब्लेड हैं जी। तो कल मैंने आइडिया करा था जी, लगभग ट्रैक्टर 7 से 7.5 लीटर डीजल घंटे का ले रहा है, लेकिन जो जगह निकाल रहा है जी वो 20-20 वाली बीघा, एक बीघे अपना जो है 20-20 वाली जगह 8 बीघे से भी ऊपर का निकाल रहा है। और काम की आप लोग क्वालिटी देख लो भाइयों, कहने का तो 7.5 लीटर डीजल काफ़ी ज़्यादा है एक घंटे का, लेकिन अगर ट्रैक्टर काम कर रहा है। अब कुछ जगह ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि ट्रैक्टर तेल भी बहुत ज़्यादा खाता है और जो है काम भी सही तरीके से नहीं हो पाता, काम की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो कोई लिफ्ट वगैरह नहीं लगा रखी है। तो भाई 800-900 ग्राम 20-20 वाले बीघे में अगर ट्रैक्टर डीजल ले ले तो कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और जहाँ ज़्यादा पक्की धरती है, अगर 1 लीटर तक भी ट्रैक्टर डीजल ले ले 20-20 वाले बीघे का, तो भी कोई समस्या नहीं है, पर काम बढ़िया होना चाहिए यार। तो ये मात्र मुड्डे वाला खेत है जी, धान की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरी बार ही निकाल रहे हैं, 2 बार में बिल्कुल एन वाहन बन गया, क्योंकि चक्कर रोटावेटर के बहुत ज़्यादा है। तो चक्कर दिखा दूँ जी आपको, मिट्टी लंबी लिंक के होने के बाद भी टायरों तक मिट्टी जा रही है जी। तो भाइयों, भाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी 595 टर्बो ट्रैक्टर को भी, आप मेरे इतना प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैंने YouTube पे एनालाइज़ की है, देखा है कि जब भी मैं 595 टर्बो अपने वाले ट्रैक्टर का वीडियो डालता हूँ तो भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है जी। तो वेट ब्लास्टिंग करेंगे भाई, बम्पर की ऐसा बम्पर लगाएंगे जो कि हमेशा जो महिंद्रा ट्रैक्टर है सादी शो वाले, तो उनमें शो खोलने की बड़ी समस्या रहती है आगे से, क्योंकि हमें पानी कूलेंट वगैरह चेक करना होता है और इसका तो एयर फिल्टर भी अंदर है। तो उस चीज़ के ऊपर स्पेशल बम्पर डिज़ाइन कर रहे हैं, जल्दी ही भाइयों को लगा के दिखाएंगे, और कहां से लगाएंगे बम्पर वो पूरी डिटेल देंगे, यानी कि ये समस्या माँ बाप की ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो है बम्पर लगा लिया, हैवी बम्पर, और शो ना खुले। तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे कि शो भी खुल जाए आराम से, और अपना यूपी में ही बहुत बेहतरीन बम्पर बनते हैं, जल्दी इसके ऊपर भारी हैवी बम्पर लगाएंगे, लेकिन साथ में ध्यान ये रखा जाएगा कि आगे ट्रैक्टर के फ्रंट भी भारी हो जाए और शो भी आसानी से खुले। तो इसके बाद ये जब सारी मॉडिफिकेशन हो जाएगी जी, उसके बाद जो है
एम्पलीफायर वगैरह म्यूजिक सिस्टम हर चीज़ को एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रूप के अंदर लगाएंगे। बाकी भाइयों आप भी बताना कि क्या क्या जो है सिस्टम लग सकता है। तो इस ट्रैक्टर की मैंने अपने हिसाब से आवाज़ बिल्कुल कम से कम रखा है जी, जो साउंड है ट्रैक्टर का आप देख पा रहे हो। कई भाइयों को ये लगता है कि भाई ट्रैक्टर लोड नहीं मान रहा है, भाइयों लोड बहुत ज़्यादा है पीछे, लेकिन जो है जब साइलेंट वाला साइलेंसर लग के टर्बो वाले ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर लोड दिखाता नहीं है जी बिल्कुल भी। कोई भी टर्बो ट्रैक्टर क्यों ना हो जी, पीटीओ के ऊपर उसकी जो है परफॉर्मेंस अलग ही आती है। तो भाइयों जो है चक्कर ज़्यादा होने के कारण दूसरे लो में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ लो पास नहीं तो दूसरा लो लगवा के दिखवाता हूँ मैं आपको। तो दूसरे के लो में तो चक्कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी, मचाई वगैरह के लिए ठीक है, जुताई के लिए नहीं ठीक है, फिर भी अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो इस ट्रैक्टर को जो है हाई स्पीड करा गया है जी, थोड़ा रोड वगैरह पे चाल बढ़ाने के लिए। तो ये दूसरे के लो की चाल है, दूसरे लो में तो भैया भाइयों 2 एकड़ से भी ऊपर इसकी जो है जुताई चली जाती है। तो भाई हम सभी किसान भाई जो है तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखें कि घंटों का एवरेज ना देखें, ट्रैक्टर की जो है वो देखें कि कवरिंग एरिया कितना है जी, वो ज़्यादा महत्व करता है मेरे लिए, और काम की क्वालिटी क्या है। तीजा लाता तो भाई ये सारे गियर लगा लगा के चेक कर रहा है भाई सनी। तो सनी का चैनल है जी सनी टर्बो के नाम से, आप जाके देख सकते हो। पहला ही लाला सनी, तो भाई वाहन बढ़िया नहीं हो पा रहा क्योंकि धान के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे जी। और जो आजकल की भाइयों धूप है, नरम धूप जिसे बोला जाता है, तो जिन भाइयों के भी गन्ने की बिजाई करनी है तो भाई एक हफ्ता जो है लेट बिजाई कर लो, पर पूरा खेत को धूप दिखा के। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना था जी कि भाई आजकल की जो धूप है वो बहुत ही बैक्टीरिया जो ख़त्म कर देती है जी ज़मीन में से। तो बढ़िया तरीके से जुताई करके आगे इसमें हैरो वगैरह चलाएंगे। तो खेत जुताई के लिए भाइयों अपना जो है मार्च अप्रैल और मई तीनों ही महीने बहुत ही बढ़िया है। इन महीनों में जब भी आपको टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर खेतों की जुताई करें जी। और हम लोग तो वैसे भी धान की तैयारी कर रहे हैं तो जुताई बहुत ज़रूरी है जी, बेहतरीन जुताई, जिससे कि ज़मीन में से जो है फंगस वगैरह ख़त्म होती है जी। और ये बगले जो मित्र कीट हैं ये बहुत ज़्यादा सहायक हैं जी किसान के लिए, हालांकि रोटावेटर के पीछे इनको इतना कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब जो है हैरो चलाएंगे जी सारे खेतों में। तो भाइयों आज की जो वीडियो थी ब्लॉग टाइप वीडियो थी, ज़्यादा मैं आपको कोई खास जानकारी नहीं दे पाया इसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें भाइयों के साथ शेयर करी आज की वीडियो में, सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा तो वो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।